वही चंदा कैसेट के माध्यम से एक इतिहास बताते हैं। अरे गोरख के अवतारी जाहर वीर की कथा सुनाते हैं। लेखराज की ढोलक संग तुरसन नकारा बजाते हैं। अरे हंसराज भी बाजे पर आज अपने हाथ दिखाते हैं। बोल गुरु गोरखनाथ की, बोल जाहर बाबा की, बोल गुगा मेणी दरबार की। प्रेमी भक्तों, चंदा कैसेट के माध्यम से मैं पंडित रामोतार शर्मा आज आपको जाहर बाबा का बहुत ही मार्मिक इतिहास सुना रहा हूं। जन्म से समाधि तक भाग नंबर 2 इस कैसेट में आप सुनेंगे। इसके लेखक हैं श्री राधे श्याम जी, जो बहुत ही मार्मिक भजन लिखते हैं जाहर बाबा के। और इसकी कथा यहां से पेश है कि जाहर बाबा अपनी मौसी काछल के लड़कों के साथ, अर्जुन और सुरजन के साथ, गेंद खेलने के लिए भूड़ों में जाते हैं। अर्थात वहां खेलते खेलते अर्जुन और सुरजन जाहर बाबा से हार जाते हैं और जाहर बाबा की जीत होती है। इसके बाद वे दोनों अर्जुन और सुरजन जाहर को ताना मारते हैं कि अरे तू भी बोलता है, तेरी तो सगाई भी उल्टी हो गई, तेरी तो सगाई भी उल्टी फिर गई। मेहरबानों, ये बात सुनकर जाहर बाबा घर आते हैं। लीला घोड़ा रास्ते में उनको सारा हाल बता देता है कि ताकी नाग और नरसिंह पांडे को राजा संजय सिंह के दरबार में भेज दो, तो किस प्रकार से वो समझाता है और क्या होता है सारा वृतांत इस भजन के माध्यम से। अरे भूड़ों में तो खेले गेंद बाछल को राजकुमार, खेलते खेलते जोड़ों से हुई तकरार, खेलते खेलते जोड़ों से हुई तकरार। भूड़ों में तो खेले गेंद बाछल को राजकुमार, खेलते खेलते जोड़ों से हुई तकरार, खेलते खेलते जोड़ों से हुई तकरार। क्या हुआ, जीत हुई जाहर की जोड़े हार गए, जाहर के जोड़े जब ताना मार गए, जीत हुई जाहर की जोड़े हार गए, जाहर के जोड़े जब ताना मार गए, वापस हो गई तेरी, वापस हो गई तेरी
लगाई वीर बनो बेकार, खेलते खेलते जोड़ों से हुई तकरार, खेलते खेलते जोड़ों से हुई तकरार। ताना मार दिया जहर बाबा को अर्जुन और सुजन ने, ये ताना सुनकर जहर अपने घर को चल देता है। और क्या जोड़ों की सुन बानी जहर घर आया, नीले घोड़े ने जहर को फिर समझाया, जोड़ों की सुन बानी जहर घर आया, नीले घोड़े ने जहर को समझाया। नरसिंह ताकी बुलवा कर, नरसिंह ताकी बुलवा कर भेजो संजा के द्वार, खेलते खेलते जोड़ों से हुई तकरार, खेलते खेलते जोड़ों से हुई तकरार। जहरवीर ने नरसिंह पांडे और ताकीनाथ को दरबार में बुला लिया और उन दोनों को समझाने लगे कि ताकीनाथ और नरसिंह तुम राजा संजा सिंह के राज में जाओ, और वहां ताकीनाथ तो संत बनकर सीरियल के बाग में बैठेगा और तुम सारे नगर में डोंडी पीट दीजिए। कैसे? नरसिंह और ताकी जाहर ने लिए बुला, उन दोनों को जाहर ने दिया हुक्म सुना, नरसिंह और ताकी जाहर ने लिए बुला, उन दोनों को जाहर ने दिया हुक्म सुना, ताकी बनेगा संत वहां, ताकी बनेगा संत वहां, और तुम तो करो प्रचार, खेलते खेलते जोड़ों से हुई तकरार, खेलते खेलते जोड़ों से हुई तकरार। और अंत में क्या हुआ? दया करो हे नाथ मैं तेरा पुजारी हूँ, राम जीत गुरु चरणों का आभारी हूँ, दया करो हे नाथ मैं तेरा पुजारी हूँ, राम जीत गुरु चरणों का आभारी हूँ, राधे श्याम गुगा बाबा का, अरे राधे श्याम गुगा बाबा का सदा करो प्रचार, खेलते खेलते जोड़ों से हुई तकरार, खेलते खेलते जोड़ों से हुई तकरार। घोड़ों में तो खेल गेंद बाछल को राजकुमार, खेलते खेलते जोड़ों से हुई तकरार, हाँ खेलते खेलते जोड़ों से हुई तकरार, खेलते खेलते जोड़ों से हुई तकरार, खेलते खेलते जोड़ों से हुई तकरार।
प्रेमी भक्तों, इसके बाद जहर बाबा के कहने से ताकीनाग वे नरसिंह वहां जाते हैं। ताकीनाग साधु संत का रूप धारण करता है और नरसिंह सीरियल के राजा संजय सिंह के राज में ये डोंडी पीटता है कि रानी सीरियल के बाग में बड़ा नामी संत आया हुआ है और जो भी उसका दर्शन करेगा उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये बात जब रानी सीरियल ने उस डोंडी पीटने वाले के मुंह से सुनी तो सखियों के साथ बाग में जाती है। ताकीनाग मौका पाकर उसको डस लेता है। बाकी हवाला इस बात के द्वारा। उधर नरसिंह पांडे ने यह भी बताया कि जहर के संग में अगर सीरियल की शादी हो जाएगी तो वह बच जाएगी। अतः शादी का मुहूर्त निकलवाया गया और क्या हुआ आइए सुनाते हैं इस भजन के माध्यम से। बोल बाबा जहर वीर की। अरे जी नरसिंह शहर में मुनादी करे जाए। अरे बागों में आए सन्यासी, अरे नरसिंह शहर में मुनादी करे जाए। बागों में आए सन्यासी, नरसिंह ने अपने गले में ढोल डाला हुआ है, सारे राज में डोली पीट रहा है कि सुनो सुनो सुनो, सीरियल रानी के बाग में एक बहुत महान संत आए हैं। कैसे नरसिंह की सुनवानी सीरियल सखियों के घर आई। अरे सखी सहेली साथ में लेकर बागों में वो धाई। हाहाकार मच गया सारे शहर में, सारा नगर बाग की तरफ दौड़ पड़ा। और क्या सारे सपेरों को बुलाया गया जहर उतारने के लिए, लेकिन किसी की भी पार नहीं बसाई क्योंकि वो तो जहर बाबा की माया थी। कैसे सारे शहर में मची दुहाई, सीरियल नागिन खाई। बड़े बड़े वहां आए सपेरे, न किसी की पार बसाई। सपेरों ने खूब बीन बजाई लेकिन जहर बाबा की माया के आगे किसी की एक ना चली। कैसे सारे शहर में मची दुहाई, सीरियल नागिन खाई। अरे बड़े बड़े वहां आए सपेरे, न किसी की पार बसाई। अरे नरसिंह ने मांगो है जेवर दान, बागों में आए सन्यासी। रे नरसिंह शहर में मुनादी करे जाए, बागों में आए सन्यासी। क्या बात है प्रेमी भक्तों की। भरवा लिए हैं राजा संजय सिंह से पहले वचन में ही जहर बाबा और सीरियल की सगाई मांग ली है। और क्या अरे पहले वर में जहर और सीरियल की लई सगाई, और दूसरे वर में लगन पहुंचाने की हामी भर ली।
भरवाई। अरे पहले वर में जाहर और सीरियल की लई सगाई, आ दूजे वर में लगन पहुंचाने की हामी भरवाई। ए जी जाय के नरसिंह ने लगन दई पहुंचाए बागों में आए सन्यासी, ए जाके नरसिंह ने लगन दई पहुंचाए बागों में आए सन्यासी। बाबा जाहर की शादी का दिन निश्चित हो गया क्या? फागुन वदी नौमी का दिन, वो शुभ दिन मंगलवार का दिन। आज किस प्रकार से नरसिंह पांडे जाते हैं और क्या? अरे फागुन वदी है नौमी को दिन ब्याह को दियो बताई, शाबाश। अरे मंगलवार को दिन भी राधे श्याम ने दियो लिखवाई, भई फागुन बदी है नौमी को दिन ब्याह को दियो बताई। अरे मंगलवार को दिन भी राधे श्याम ने दियो लिखवाई, तेरे बारात की निकासी दई करवाए बागों में आए सन्यासी, रे नरसिंह शहर में मुनादी करे जाए बागों में आए सन्यासी, रे नरसिंह शहर में मुनादी करे जाए बागों में आए सन्यासी, बागों में आए सन्यासी, बागों में आए सन्यासी। बोल शंकर भगवान की, बोल गुरु गोरखनाथ की, बोल जाहर बाबा की। प्रेमी भक्तों, आज बड़ा खुशी का मौका है, बड़ा खुशी का समय है। जाहर बाबा रानी सीरियल के दरबार पे बनने के रूप में तैयार हो रहे हैं। बारात सज रही है, बैंड बाजे बज रहे हैं। आहा, कितना अच्छा लग रहा है आज ददरेवड़ा नगरी में। चाची ताई अगड़ पड़ोसन सारी मिलकर किस प्रकार से बन्ना गाती हैं और क्या कहती हैं, आइए सुनाते हैं इस भजन के माध्यम से। लोग पकड़ियों री बन्ना भाग्यो ही जाए, जहर भाग्यो ही जाए, चलते लोग पकड़ियों री दूल्हा भाग्यो ही जाए, जहर भाग्यो ही जाए। अपने 1400 चेलों को लेकर हैं और उसके बाद नरसिंह पांडे, भज्जू, रत्ना और क्या। गोरखनाथ तो साथ में चाला, नरसिंह भज्जू रत्ना आला, संग मेरी बन्ना भाग्यो ही जाए, बाबा भाग्यो ही जाए, चलते लोग पकड़ियों री बन्ना भाग्यो ही जाए, जहर भाग्यो ही जाए। राजा संजय सिंह के दौराए किस प्रकार से पहुंच गए हैं, शाबाश। संजय सिंह के पहुंचे हैं द्वारे,
आगे का हाल इस भजन के माध्यम से। बोल सांचे दरबार की, के महलों हैं खुशियां मनाई। आज सारे ददरेवा नगर में खुशी का माहौल है। माता बाचल अपने मन में बड़ी प्रसन्न है, और कैसे के महलों में खुशियां मनाई। दुल्हन आई बाचल के लाला की, महलों में खुशियां मनाई। दुल्हन आई बाचल के लाला की। क्या बात है, मनाई जा रही है। गरीबों को माता बाचल दान कर रही है। सखियां मंगल गा रही है, और कैसे माता बाचल खुशी रे मनावे। सखी सहेली मंगल गावे। आई बाचल के ला
रानी सीरियल चांद सा मुकड़ा माता बाछल ने कारो टीका लगा दियो काउ की नजर ना लग जाए कैसे हाथ में कंगना रे लगे रही मेहंदी हाय हाय रे मोतियन की हाँ हाँ मोतियन की मांग भरी आई दुल्हन आई बाचल के लाला की महलों में खुशियां मनाई दुल्हन आई बाचल के लाला की सारा शहर रानी सीरियल को देखने के लिए उमड़ पड़ा है। मोहल्ले की अगड़ पड़ोसन चाची ताई बुआ बहन जी सारी ही आई हैं। और कैसे डोले से जब दुल्हन उतारी आई बाचल के लाला की महलों में खुशियां मनाई दुल्हन आई बाचल के लाला की क्या बात है प्रेमी भक्तों की आई बाचल के लाला की महलों में खुशियां मनाई दुल्हन आई बाचल के लाला की हाँ महलों में खुशियां मनाई दुल्हन आई बाचल के लाला की दुल्हन आई बाचल के लाला की प्रेमी भक्तों सावन का महीना है। रानी सीरियल बाछल माता के पास जाती है और बाछल माता से चीज झूलने के लिए कहती है। तो माता बाछल सारे नगर में घूमती है, अपनी सखियों को बताती है कि कल हमारी बहू सीरियल झूला झूलने के लिए बाग में जाएगी। प्रेमी भक्तों जब ये बात माता बाछल की छोटी बहन काछल ने सुनी तो उसके तन बदन में आग निकल गई और इस बात को महलों में जाकर वो अपने दोनों बेटे अर्जुन और सर्जुन को बताती है कि कल सीरियल बागों में तीज झूलने के लिए जाएगी, सो तुम उससे पहले जाकर के बाग के फाटक लगा देना और उसको झूलने मत देना। क्या कहती है आइए सारा हाल इस भजन के माध्यम से। आ
अरे लगो है महीना सामन मास को जी, लगो है महीना सामन मास को जी। ए जी कोई सीरियल हम बे कोई सीरियल बाछल ढिंग आए, लगो है महीना सामन मास को जी। रिम बरखा जे हो रही जी, रिम झिम बरखा मैया मेरी हो रही जी। ए जी कोई बागों में हाँ हाँ कोई बागों में झूला दो डर वाए, लगो है महीना सामन मास को जी। और क्या कहने लगी रानी सीरियल, अरे सखी सहेली सब झूला झूलती जी, सखी सहेली झूला मैया झूलती जी। ए जी कोई लंबे लंबे हाँ हाँ कोई लंबे लंबे झोटा रही खाए, लगो है महीना सामन मास को जी। देख के मनवा अम्मा मेरो तरस रयो जी, देख के मनवा अम्मा मेरो कर रयो जी। ए जी कोई सखिया हाँ हाँ कोई सखिया संग झूलू जाए, लगो है महीना सामन मास को दी। राधे श्याम की हाँ हाँ राधे श्याम की बाबा करते सहाय, लगो है महीना सामन मास को जी। अरे कोई सीरियल हम बे कोई सीरियल बाछल ढींगे जाए, लगो है महीना सामन मास को। अब
अपनी सखियों के संग बाग में तीर झूलने के लिए जाती है और जब बाग के दरवाजे पर पहुंचती है तो वहां देखती है कि अर्जुन और सुर्जन बाग के द्वार का ताला लगाए हुए खड़े हैं। अर्जुन सुर्जन से सीरियल बाग का ताला खोलने के लिए कहती है, लेकिन वे दोनों सीरियल से लड़ने झगड़ने लगते हैं, तकरार करने लगते हैं। कहते हैं कि इस बाग में आधा हिस्सा हमारा भी है और सीरियल को बाग में तीज नहीं झूलने देते हैं। बाकी हवाला इस भजन के माध्यम से आपकी सेवा में। अरे सामन लगो महीना आए खुश है रही सीरियल बारी, सामन लगो महीना आए खुश है रही सीरियल भारी, खुश है रही सीरियल भारी, खुश है रही सीरियल भारी, सामन लगो महीना आए खुश है रही सीरियल भारी। की बात सुन बाछल सखियों के द्वार आई चल, अरे सीरियल तीज झोलने जाए तुम करो चलन की चाई, सामन लगो महीना आए खुश है रही सीरियल भारी। इतनी सुन का छल जल गई अनसन पार्टी ले पड़ गई, चोप भवन में रिलेटी जाए जैसे लगी आए रे माई, सामन लगो महीना आए खुश है रे सीरियल भारी। काछल जोड़े से कहती रो रो कर हाल सुनाती, काछल जोड़े से कहती रो रो कर हाल सुनाती, रे सीरियल तीज झूलने जाए गुस्सा मुझको है ये भारी, सामन लगो महीना आए खुश है रही सीरियल भारी। लखे जाओ फाटक पे ताला लगाओ, तुम भाग नो लखे जाओ फाटक पे ताला लगाओ, रे पहरेदार देओ बैठा है बागों की करो रखवारी, सामन लगो महीना आए खुश है रही सीरियल भारी। बागों में आए दिया ताला तुरत लगाए, जोड़े बागों में आए दिया ताला तुरत लगाए, राधे श्याम कहे समझाए वो कर रहे पहरेदारी, सामन लगो महीना आए खुश है रे सीरियल भाई, सामन लगो महीना।
भाई, सावन लगो महीना आए, खुश है रे सिरियल भाई। बोल सांचे दरबार की, बोल गुगा मेरी दरबार की। प्रेमी भक्तो, रानी सीरियल निराश मन से दरबारों में वापस आ जाती है। माता बाछल को सभी हाल बताती है। माता बाछल कहती हैं कि हे सीरियल, ये सब घटना तुम जहरवीर से जहर से मत कहना। प्रेमी भक्तो, उधर महलों में जहर बाबा को प्यास लगती है और वे रानी सीरियल से पानी मांगते हैं। उधर रानी सीरियल जहर के लिए पानी लेने जाती है। रास्ते में अर्जुन और सुरजन सीरियल को घेर लेते हैं और रानी सीरियल उनको चकमा देकर छल से वापस महलों में आती है। जहर को सारा हाल बताती है। गुस्से में बाबा जहरवीर उनके पास जाते हैं और उनसे किस प्रकार से जंग होता है, किस प्रकार से लड़ाई होती है, वहां लड़ाई में वे दोनों मारे जाते हैं। आगे का हवाला इस भजन के माध्यम से। जहरवीर को प्यास लगी हो, अरे जहरवीर को प्यास लगी, जल्दी पानी मंगवावे रे सीरियल, पानी लावे सीरियल, पानी लावे रे लावे, पानी लावे सीरियल, पानी लावे। जहरवीर को प्यास लगी, जल्दी पानी मंगवावे सीरियल, पानी लावे सीरियल, पानी लावे रे लावे, पानी लावे सीरियल, पानी लावे। रास्ते में वो दोनों पापी अर्जुन और सुरजन रानी सीरियल को खड़े मिलते हैं। कैसे? सीरियल पानी को धाई, जोड़ों ने घेरी भाई, सीरियल से वचन उचारे, दोनों उसको समझारे। इकला जाहर मर जावे, फिर को तेरा साथ निभावे, दो भाई हम मां जाए, एक मरे दूजा साथ निभाए। ओ बात हमारी मानो सीरियल, बात हमारी मानो सीरियल, नहीं तो फिर पछताए। सीरियल पानी लाए, सीरियल पानी लाए रे लाए, पानी लाए सीरियल, पानी लाए। छल से सीरियल घर आई, जाहर पे रोवे जाई, जाहर को गुस्सा आई, कर में तलवार उठाई। वो तालों पे जा पहुंचा, जोड़ों को जाके दबोचा, जोड़ों से करी लड़ाई, उनका दिया शीश उड़ाई। लावे सीरियल, पानी लावे लावे, पानी लावे सीरियल, पानी लावे। जाहर बाछल ढिंग आया और सारा हाल सुनाया, बाछल जाहर से कहती और सारी कथा सुनाती। तूने तो जुलम गुजारे, मेरी बहन के जाए मारे,
तू जरा शर्म नहीं लाया, मेरी बहन का नाम मिटाया। ओ तेरा मुंह नहीं देखूंगी रे, तेरा मुंह नहीं देखूंगी रे, घर में तू मत रहवे, सीरियल पानी लावे, सीरियल पानी लावे, सीरियल पानी लावे, सीरियल पानी लावे। माता बाछल ने जहर को बहुत अच्छा बुरा कहा और कहा, अरे जहर तूने मेरी बहन का वंश मिटा दिया है, तूने बहुत बुरा किया है जहर, और अब मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मेरे मेहरबानों, बाबा जहर ने वहीं से अपना घोड़ा मोड़ लिया और सीरियल को रोता हुआ छोड़ दिया। कैसे? जाहर ने घोड़ा मोड़ा, सीरियल कोरे रोता छोड़ा, लई बन की सूरत लगाई, ना मुड़ कर देखा भाई। मेरा राम राय घर आना, है गुण का भरा खजाना, गाए राम उतार ये गाना, हुआ हंस राज दीवाना। लिखना ना तुझे आवे, सीरियल पानी लावे, सीरियल पानी लावे, सीरियल पानी लावे, सीरियल पानी लावे। अरे जहर वीर का प्यास लगी रे हो, जहर वीर का प्यास लगी, जल्दी पानी मंगवावे, सीरियल पानी लावे, सीरियल पानी लावे, सीरियल पानी लावे, सीरियल पानी लावे, लावे पानी लावे। प्रेमी भक्तों, माता बाछल ताना मारती है रे जहर, अरे जहर तूने इस नगरी में मुझको बोलने लायक नहीं छोड़ा, पापी तूने मेरी बहन की गोह उजाड़ दी है, अपनी माँ के ताने सुन के, अपनी माँ की बात सुनकर जहर नीले घोड़े पर घर से निकल जाते हैं और रास्ते में रानी सीरियल मिलती है। हे स्वामी, इस नगर में मैं किसके सहारे जीऊंगी, हाथ जोड़कर पैर पकड़ लेती है रानी सीरियल। जहर कहते हैं कि रानी तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे मिलने के लिए रोज रात को आया करूंगा, लेकिन एक बात का वादा करो। क्या स्वामी? कि इस बात का पता किसी को न चलने पाए और बाकी का हवाला इस भजन के माध्यम से। अरे माता के सुन वचन कटी ले, चल दिया जाहर घर से वापस, ना किया घोड़ा रामी को रोता छोड़ा, हो या बनवासी। क्या बात है प्रेमी भक्तों की। अरे सीरियल रोवे रुधन मचावे, बाछल के ढिंग आई, कौन हुई तकसीर पिया से, जवन को दिए खंदाई। बाली उम्र मेरी री 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 री, बाली उम्र मेरी चढ़ती जवानी, पिया बिन कैसे कटेगी, कैसे सबर करूं, कैसे धीर धरूं, हो मैया उम्र है जरा सी। माता बाछल के पैर पकड़ लिए है माँ, मेरे पति ने ऐसा कौन सा खोट किया है माँ, जो आज उनको आपने ताना मारकर वन में भेज दिया। कैसे? माता बाछल कहती है कि बहू मेरी बात सुनो,
बात चल कहती सीरियल से बहु मन में धीरज धारो, जाहर ने बहु जुलम करो रियरिये सो बादर फारो। क्या अर्जन सर्जन री 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 अर्जन सर्जन दोनों मारे वहने जुलम गुजारे जरा ना ख्याल करो मेरी काम करो हो, मेरो मन है उदासी। कहने लगी बहू तेरे पति ने मेरी बहन के दोनों लाल मार दिए हैं। कैसे बारह बरस जब बीत गए जाहर को वन में भाई, सीरियल की जब याद आई धरती ते अर्ज लगाई। हे धरती माता आज बारह वर्ष बीत गए हैं, मुझे आज रानी सीरियल की याद आ रही है। कैसे आज्ञा दे तेरी माता मुझको, आज्ञा दे दे माता मुझको, मदद रेड़े को जाऊं जहां पर सीरियल नारी करो वह है अति भारी हो, कहूं लगा नाले फांसी रे। आज्ञा लेकर के जहर चल पड़ा है। कैसे भाई आज्ञा लेकर जहर चला ददरेड़े को भाई, महलों में पहुंचा था जहां सीरियल को आवाज लगाई। सीरियल ए सीरियल, रानी सीरियल जहर की आवाज सुनकर एकदम से खुशी का ठिकाना नहीं होता है, एकदम द्वार पे आती है। और क्या हो महलों में पहुंचा था जा सीरियल को आवाज लगाई, हर नित आवे नित जावे महल में सीरियल खुशी मनावे, पति को गले लगावे तो सिंगार बनावे हो जैसे दर्शन की प्यासी। पति के आने पर रानी सीरियल बहुत प्रसन्न होती है। हे स्वामी तुम ठीक तो हो, क्या क्या कहने लगी और अंत में क्या हुआ। होलादपुर है गांव मेरा और खिचड़ीपुर में बसेरा, राम जीत गुरु अपने के दर्शन करो शाम सवेरा। अरे हंस राज तू तहर जगाते सबा कैसा बे सुनाते हो राधे श्याम को सबासी। माता के सुन रे 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 रे, माता के सुन वचन कटिले चल दिया जाहर घर से रे वापस ना किया घोड़ा, रहानी को रोता छोड़ा हो हुआ आज बनवासी। प्रेमी भक्तों जाहर बाबा रोजाना रात को रानी सीरियल से मिलने आते हैं। अब तो माता बाछल को सीरियल पर शक हो गया, क्योंकि सीरियल रोजाना रानियों जैसा श्रृंगार करती थी और माता बाछल के मन में यह था कि तेरा बेटा तो यानी जाहर तो बहुत दिन से वन में जा चुका है, फिर ये श्रृंगार किस पर करती है। माता बाछल सीरियल पर किस प्रकार से शक करती है और क्या कहती है। अरे सीरियल को सिंगार देख बाछल करे सोच विचार, बहु मोए सांच बता। सीरियल को सिंगार देख बाछल करे सोच विचार, बहु मोए सांच बता। बेटा मेरा घर पे नहीं मुझको सांच बता दे तू, किस पे पहनी हरी हरी चुड़िया किस पे बिंदा लगावे तू, किस पे मुतियन मांग भरे और किस पे करे सिंगार, बहु मोए सांच बता। सीरियल को सिंगार देख बाछल करे सोच विचार, बहु मोए सांच बता। हे बहु जब यहाँ जाहर नहीं है तू रोज किस पर सिंगार करती है, क्या कहने लगी रानी सीरियल। अरे सीरियल कहती बाछल से सुन लो तुम
तुम सासुल प्यारी। नित आवे नित जाए लाल तेरा तुम्हें साच में बतलारी। बाचल कहती सीरियल से हाँ बाचल कहती सीरियल से तू बनी है असल छनार बहु मोए बतलारी। सीरियल का सिंगार देख बाचल करे सोच विचार बहु मोहे बतलारी। माता बाछल को समझाती है, हे माँ मैं आपको आज रात को तुम्हारा बेटा दिखला दूंगी। कैसे जाहर आए महलों में खेले हैं वो चौपड़ सारी। भोर हुआ उठ चाल पड़े जड़ लीले की वो असवारी। ओ सीरियल बाछल को दिखलावे सीरियल बाछल को दिखलावे वो जाते बलम हमार देख सासुल प्यारी। सीरियल का सिंगार देख बाछल करे सोच विचार बहु मोहे बतलारी। मेरे मेहरबानों माता बाछल को दिखला दिया रानी सीरियल ने, यह माँ देख लीले घोड़े पर चढ़कर वो मेरे पति जा रहे हैं यानी तुम्हारे बेटे जा रहे हैं। माता बाछल पीछे से जहर को आवाज लगाती है, जहर ने मुड़कर नहीं देखा और धरती माता में समा गए और माता बाछल को वे सीरियल रानी को रोता बिलखता हुआ छोड़ गए। क्या बताया अंत में बाछल आई पीछे से जाहर को रही आवाज लगा। जाहर ने ना मुड़कर देखा धरती में वो गया समा। राधे श्याम तो लिखे कविता नहीं लिखन का ज्ञान उमर दिन की बारी। सीरियल का सिंगार देख बाछल करे सोच विचार बहु मोहे बतलारी। सभी प्रेमी भक्तों के सामने बाबा जहर का इतिहास पेश किया है संध्या कैसेट के माध्यम से और मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी संगीत प्रेमी बाबा जहर के दीवाने बाबा जहर वीर के भक्त इस बाबा जहर वीर के इतिहास को संध्या कैसेट के माध्यम से बड़े ही चाव से सुनेंगे, बड़े ही प्रेम से सुनेंगे। प्रेमी भक्तों बाबा जहर वीर का ये इतिहास जन्म से और समाधि तक जो भी त्रुटि हो जो भी गलती हो मैं सभी भक्तजनों से सभी बड़े बुजुर्गों से सभी ज्ञानियों से हाथ जोड़कर विनती मांगता हूँ और सभी भक्तजन मेरे संग में एक जोरदार जयकारा लगाएंगे। कैसे बोल गुरु गोरखनाथ की, बोल शंकर भगवान की, बोल जहर बाबा की, बोल गुगा मेणी दरबार की, बोल बाछल माता की।